हेलो फ्रेंड्स, और फैमिली ब्लॉग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज से 9 फरवरी अभी सुबह के बज रहे हैं, साथ हम सभी एक एक से उठते जा रहे हैं। अभी ज़्यादा लोग नहीं उठे हैं। भाभी बना रही हैं चाय। बस मुझे ब्रश बस करना है। अभी फिलहाल मैं लाइट बंद कर देती हूँ, ब्रश कर कर आती हूँ। वॉश बेसिन खाली ही नहीं था फ्रेंड्स। अभी एक एक से उठ उठ के सभी अब सुबह से उठेंगे ना, तो ब्रश तो करना ही पड़ेगा। अब वॉश बेसिन खाली है तो मैं जाती हूँ, ब्रश करके आती हूँ, फिर पीऊँगी मैं इसके बाद चाय। आगे का देखती हूँ क्या होगा, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मम्मी ने लिया है एक बड़ा सा काला कपड़ा। अब इसका क्या होना है तो आगे आपको पता चल जाएगा, तो पूरे ब्लॉग में बने रहिए। मम्मी ये क्या कर रही हैं आप? नजर ना लगे, हम लोग ऊपर टोटका किए जा रहे हैं कि हमारी बहुओं और बेटियों को नजर ना लगे। तो ये जो इसमें पॉली में और कपड़े में बांधे गए लोबान सरसों भूत बतनिया, हाँ अभी नहीं, बाद में चिपके के जम मारेंगे आ देंगे। अब बोलने में शर्म आ रही है, अब जो चीज बड़ी मम्मी पूजा कर कर आ गई हैं, प्रसाद दे रही हैं। मुझे भी दे दो पेड़ा आ गया ये। छतरपुर जाना है, फिर सभी तैयार होंगे रात में, तो मेरे यहाँ ये माना जाता है कि नजर लग जाएगी, तो बहुओं को और बेटियों को ये लोबान बांधा जा रहा है जिससे ना नजर नहीं लगती। दीदी एक बार हंस दो। ये हमारे यहाँ भाई डॉन क्या भाभी वाला नेकलेस पहने जो कल बुकिंग कर गए हाय कमर बन जाए। ओह माय गॉड, मेरा लहंगा। नो 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 बेबी, नो बेबी, पॉसिबल नहीं है। आओ तो कैसे बाहर ले लिया तो? अरे ले हमारे यहाँ बहुत स्लो काम चल रहा है, जाना है 10 बजे और देखो 9 बज रहे हैं, अभी ब्रश किए जा रहे हैं। देखो आपको, हमें पता है, हमसे अच्छी नहीं लगती तो छुपती हैं। बस बुआ बना रही हैं चाय, सुबह से बुआ किचन में ही है, चाय बना रही हैं। बुआ बुआ पहले ये बताओ, मम्मी बांध रही हैं मुझे, नजर ना लगे भैया उनकी बहू को। क्या हो गया है, क्या डिस्कशन चल रहा है? बेबी बेबी माई डार्लिंग, क्या डिस्कशन चल रहा है आपका? आज अभिलाषा दीदी को छा जाना है, वो तो देखना। आए है, आए है। ओ गेट आउट, गेट आउट। आप तो बोलो ना आई यार, जिम के खाने लोग आ गए हैं ना फिर यार, नीत को ये यार वो प्रिया का भी बोल रहा है। अभी मैं आ गया, तुम्हें सी मंगवाओ गालू दबा रहे। तो वैसे ना सभी को ये नजर वाला धागा है वो बांधा जा रहा है। यहाँ इस चीज को बहुत ज्यादा मानते हैं कि मतलब हम कहीं बाहर जाते हैं तो मम्मी माचिस और ये सारी चीजें रख देती है। अब इतने रक्षा कवच पहनाए जा रहे हैं हम सभी को,
अभी नजर उतरने लगी है, जो दो तीन दिन में हम लोग तैयार हुए हैं तो बुआ हमारी नजर उतारने लगी है सभी की। छोटी मम्मी है, उन्होंने हम लोग सभी को वो धागा है जो नजर वाला वो पहनाया, मीन्स रक्षा कवच। फ्रेंड्स छतरपुर जाने के लिए हम सभी तैयार हो गए हैं, बैग शादी चले गए हैं, बस भी आ गई है, गाड़ियां भी लग गई हैं, सब रेडी हो गए हैं, बस अब सिर्फ जाना है। कहीं भी जाते हैं तो भगवान जी के पैर छूते हैं, तो छतरपुर जाने से पहले हम सभी भी पैर छू रहे हैं भगवान जी के, और दीदी भी पूजा कर रही हैं। मेरे यहाँ ना दिया जलाया जाता है, वही दीदी कर रही हैं। प्रियंका दीदी जलाएंगी, आ जाओ दीदी। फ्रेंड्स आप सभी भी आशीर्वाद दीजिए, सब कुछ बहुत अच्छा रहे, हम लोग वहाँ जाएं बहुत अच्छा वहाँ पर भी रहे, जाएंगे तो अच्छे से जाएं, अच्छे से आएं, शादी ना बहुत अच्छे से संपन्न हो जाए, आप सभी का आशीर्वाद चाहिए हम सभी को। अभी शॉर्ट वीडियो बना लो, वैसी गाड़ी कैसे हम नहीं, पहले नीचे जला लो फिर वो करो। दीदी रोना नहीं, बिल्कुल बिल्कुल रोना नहीं, बाय करके जाना, रोना नहीं, बे रोने लगी, देखो वो आंसू निकल रहे सभी रेडी हो गए हैं जाने के लिए, बस अब हमें वेट करना है कि दीदी कब रोएं, रो के जा रही है कि हंस के जा रही है। अभी आप गए नहीं, चलो चलो इतना शोर हो रहा है फ्रेंड्स, इतनी भड़बड़ हो गई ना फ्रेंड्स, इतना शोर हो रहा है। कितनी खुशी है दीदी को शादी करवाने की, तो कितनी हंस रही है, रोना तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है ना, खुशी तो देखो, खुशी देखो, वो नहीं रोती है ऐसी। मम्मी दीदी तो हंस रही, रो वही नहीं आ। मामी सही में रो रही। अब ना बहुत ही ज्यादा इमोशनल माहौल हो गया है, सभी रोने लगे हैं, और घर से बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, इतना ज़्यादा लॉस से बुरा नहीं लगता है जितना घर से बुरा लगता है, और सभी ना बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे थे। छोटी मम्मी बहुत रोई, बड़ी मम्मी भी बहुत ज़्यादा रोई। जब घर से बेटी जाती है तो बुरा तो बहुत ही ज़्यादा लगता है, तो बहुत रोए सभी। अंकी बैठ गए, जाते समय हमारे यहाँ ये रस्म होती है दूध चावल वाली, दूध चावल खिलाए जाते हैं, इसे बोलते हैं करूला, जो कोई कन्यादान लेता है उनकी गोदी में ना इसे निकालना पड़ता है, तो ये रस्म हो रही है।
छतरपुर जाने से पहले। प्रियंका ससुराल। और हम लोगों की हालत देखो कैसी हो गई है, लग रहा है कि हम लोग शादी में जा रहे हैं। बीमार पड़ गए अभी से। दीदी की तो बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो गई। ये तो आपको चीज बताई है कि कैमरा ऑन किया और इनका फेस फर्स्ट टाइम जा रहे छतरपुर में ना। इतना टाइम लग गया है। हाँ, नहीं सच में लग रहा बीमार से। कोई नहीं, मेकअप कवर कर लेगा।